क्वेश्चन यहाँ से मतलब नहीं है, फिर भी पूछा गया है। नाम नहीं लिखा उन्होंने, मुझे लगता है ये जिन्होंने ये प्रश्न पूछा उसका भी ज्ञान का अनुभूति, बाबा का अनुभूति हुआ नहीं है। ऊपर ऊपर से ज्ञान के ज्ञान को सुन के या किसी और के सुन के उन्होंने प्रश्न पूछा है। शिव पुराण के हिसाब से शिव बाबा तो कैलाश पर्वत में रहता है, शिव बाबा के मधुबन में क्यों बताया जा रहा है? सही पूछा था। और मधुबन में तो दादा लेखराज बाबा है, श्री कृष्ण का केवल महापुरुष बता दिया और शंकर या शिव जी को भी हटाकर केवल लेखराज बाबा तक ही सीमित कर दिया है, क्यों? अगर आपको पता होना चाहिए कैलाश पर कौन था, शंकर था, शिव नहीं। शंकर किसकी जप करता था? शिव के। क्यों करता था शंकर को? शिव चाहिए, शंकर भगवान ही समझो। वो जब कैलाश में जाके किसके लिए कर रहा, किसकी जप कर रहा था, ध्यान किसका कर रहा था? आपने जिसने पूछा उनको पता होना चाहिए। फिर कैलाश के पर्वत शंकर शिव तो नहीं था। शिव कौन है? निराकार। जहां भी शिव के मंदिर में जाओ निराकार लिंग है। शंकर अलग, ब्रह्मा विष्णु शंकर अलग, शिव और शंकर को एक कर दिया। क्यों? किंचि निराकार दिखाई नहीं देता है। निराकार को देखना चाहे वो शंकर के मंदिर में जाओ तो निराकार भगवान मिलेगा, क्योंकि वो शंकर उसकी पूजा करता है, रोज तपस्या करता है। इसलिए लोगों ने शिव शंकर एक किया। शंकर अलग, ब्रह्मा विष्णु शंकर ये अलग, शिव निराकार। सत्यम शंकरम सुंदरम नहीं कहा, सत्यम शिवम सुंदरम कहा। शिव कौन और शंकर कौन, दोनों को एक कर दे। किसने किया ये? शिव पुराण का, शंकर पुराण नहीं कहा। जो लिखा शिव पुराण का, शंकर पुराण मैंने लिखा, जानना चाहिए। शंकर के दो, शंकर पार्वती है, गृहस्थी है, उनके दो बच्चे हैं, है ना, गणपति भी है कार्तिकेय भी है। शिव निराकार, उसका शरीर तो है नहीं। अभोग क्या कहा, अजन्मा कहा, सत्य कहा, सत्यम शिवम सुंदरम कहा, ये सारे ज्ञान चाहिए।